आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि मैं वीडियो किस तरह से अपलोड करता हूँ जिससे मेरा हर एक वीडियो वायरल होता है। और ये मैं अपने सेकंड चैनल की बात कर रहा हूँ जो मेरा मेन चैनल है विलेज स्टूडेंट गोल्स। तो चलिए, मैंने यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है और इसके बाद आपको ये पता ही होगा कि भाई प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो गैलरी से सिलेक्ट करना है। और ये सब मैं आपको बताने भी वाला नहीं हूँ क्योंकि ये सब आपको पहले से ही पता होगा कि भाई यहाँ से अब बस एक बात और, आपको YouTube से ही म्यूजिक ऐड करना है, पहले से आपको अपने वीडियो में म्यूजिक नहीं लगाना है। बाकी ये सब आप डेली करते आए होंगे। और जो मेन बात है, आपको टाइटल में क्या डालना है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। अब यहाँ से आप अपनी वीडियो को ध्यान से देखिए। तो पहली चीज़, आप अपना टाइटल सेम ही रखें। मेरे जितने भी वीडियो हैं मैं उसमें अपना टाइटल सेम ही रखता हूँ। तो जल्दी से मैं अपना टाइटल डालता हूँ। और आपको टाइटल में केवल दो या तीन ही हैशटैग यूज करने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने केवल तीन ही हैशटैग यूज किए हैं और अपनी सारी वीडियो में टाइटल में केवल तीन ही हैशटैग यूज करता हूँ। और इसके बाद बात करते हैं कि वीडियो को पब्लिश करना है, अनलिस्टेड करना है या फिर शेड्यूल करना है। तो भाई लोग, मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी वीडियो अपने अपलोड करता हूं, सारे वीडियो शेड्यूल करके ही अपलोड करता हूं। इसके दो रीज़न हैं। पहला तो भाई, मैं काफ़ी सारे वीडियो डेली अपलोड करता हूं तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता टाइम टू टाइम मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। और दूसरा कारण जो है भाई, शेड्यूल करने से मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपना शेड्यूल करता हूँ तो मेरा वीडियो शॉर्ट फीड में अक्सर जाता है। तो मैं और यूट्यूबर की बात नहीं करता, लेकिन मैं अपनी राय बता रहा हूँ कि मैंने जब भी अपना वीडियो शेड्यूल किया है तो वो शॉर्ट फीड में गया है। और इसके बाद आपको YT स्टूडियो में आ जाना है और यहाँ से अपना वीडियो जो सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद आपको अपने डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं अपना पिछला वीडियो में जो भी था वो कॉपी किया हूँ और अपनी इस प्रेजेंट वाली वीडियो में डायरेक्ट पेस्ट कर दूँगा। आपको यही करना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन हैशटैग हर वीडियो का सेम रखना है। इससे ये होता है कि भाई अगर आपका एक भी वीडियो वायरल हो गया तो आपके अन्य वीडियो पर व्यूज आने लगेंगे क्योंकि उनका हैशटैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब सेम है। और टैग्स में आपको केवल चार ही हैशटैग यूज करने हैं, ये मैंने पहले ही बताया था, हैशटैग शॉर्ट, हैशटैग YT शॉर्ट, हैशटैग शॉर्ट फीड और हैशटैग विलेज स्टूडेंट गोल्स। आप इसकी जगह अपने चैनल का भी नाम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका चैनल अभी ग्रो नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप इसे अभी ना करिए। आगे कर सकते हैं लेकिन अभी ना करें। और किसी जो बढ़िया चैनल चल रहा हो, ग्रो कर रहा हो, आप इसे यूज कर सकते हैं। इससे व्यूज़ आने के चांस बढ़ जाते हैं और आपका वीडियो शॉर्ट फीड में जाने के चांस भी बढ़ जाते हैं। और यही था मेरा ट्यूटोरियल जो जिससे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में।